कंप्रेसर चल रहा है पर जो फैन मोटर है वो नहीं चल पा रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फैन मोटर जो है नहीं चल रही है, जो उसका फैन है वो नहीं चल पा रहा, कूलिंग वूलिंग सब कुछ आने लगी है। अब ये कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ये कंप्रेसर बंद होने लगा है, हम चेक करेंगे खोल के कोई वायरस के लूज वूज तो नहीं है। जैसे कि आपने देखा है कि हमने इसमें देखा कि हमारा कंप्रेसर ऑन है और कंप्रेसर चल रहा है और जो फैन मोटर है वो नहीं चल पा रही है, तो हमने क्या करा, इसको खोलना शुरू कर दिया है। इसको हम खोल के चेक करेंगे कि हमारे वायर जैक या कुछ और चीज़ ख़राब तो नहीं है, या मोटर या कंट्रोल सब कुछ हम जो है चेक करेंगे, तभी इसमें बता पाएंगे आपको क्या ख़राब है और क्या सही है। तो हम खोल लेते हैं पूरा एसी को, हम खोल के तब आपको दिखाएंगे इसके अंदर फिटिंग अच्छी तरह से होती है, तो उसको हम फिटिंग को पूरी खोल लेंगे। ऊपर से खोल लिया है, सब कुछ खोल खाल के आपको दिखाते हैं। इसमें जो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, उसमें एरर कोड आ रहा था पर एरर कोड हमने देखा नहीं है, तो यहाँ पर हमने जो एरर बिना विदाउट एरर कोड के ही, इंडोर में जो एरर कोड नहीं था आउटडोर में एरर कोड था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ सब कुछ खोल खाल के मैंने ये खोल लिया है, इस कंट्रोल को भी खोल लेना होगा, कंट्रोल का यहाँ से जो एक ढक्कन रहता है नीचे वो भी यहाँ से खोल के चेक करना होगा, हमारा जो वायर जैक मोटर के कैपेसिटर मोटर जो भी कुछ रहेगा इसके अंदर सब कुछ चेक कर लेना होगा। अगर ये एसी मोटर है तो कैपेसिटर रहेगा, नहीं तो ये डीसी मोटर रहती है ज़्यादातर, तो डीसी इन्वर्टर एसी में तो डीसी मोटर ही दिया गई है, डीसी मोटर आपको यहाँ पर ऐसे चेक नहीं कर पाओगे, या तो आप दूसरी मोटर लेके आओगे या फिर आप दूसरा कंट्रोल लेकर आओगे तब उसको चेक कर पाओगे या मोटर ख़राब है या कंट्रोल हमारा ख़राब है। तो यहाँ पर जो हम चेक करते हैं ये सब कुछ हमारा जो ये मोटर है और ये रिएक्टर है और ये हमारा कंट्रोलर है, तो यहाँ पर जो कंट्रोल का वायर है जो कंप्रेसर का मोटर का वायर है वो जो है निकला हुआ था और कंप्रेसर का वायर सब कुछ लगे हुए थे, बाकी सब कुछ चल रहा था, सिर्फ प्रॉब्लम आ रही थी जो हमारा आउटडोर में मोटर लगी है उसका जो जैक है वो ओपन था, निकला हुआ था, जिसकी वजह से वो नहीं चल रहा था। तो ये कंप्रेसर भी बंद हो रहा था, जैसे वो चलता था उसकी हीटिंग नहीं निकल पाती थी, तो उसको सेंसर जो है कमांड देते थे कंप्रेसर बंद हो जाता था, तो कंप्रेसर बंद हो रहा था, इसी वजह से हो रहा था कंप्रेसर बंद, जो हमारी मोटर है वो नहीं चल रही थी। ये हमने इंडोर पर आके चेक करा, इंडोर ऑन कर दिया है, इंडोर से हमने एसी ऑन ऑन कर सब कुछ करके अब आउटडोर पर जाएंगे हम यहाँ से, चलिए आउटडोर पर चलते हैं हम। ये हम आउटडोर पर जा रहे हैं और आउटडोर ऑन करके दिखाएंगे आपको लाइव, यहाँ से जो आउटडोर है यहाँ पर लगा हुआ है आउटडोर है, ये पूरा खोल रखा है हमने, ये जो मोटर का जैक निकला हुआ था वो मोटर का जैक लगा दिया है, जैसे निकला था उसे अच्छी तरीके से हमने साफ ऊप करके बढ़िया तरीके से लगा दिया है। इसमें लाइट बिलिंग कर रही है, एक बार लाइट बिलिंग कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक से अधिक लाइट बिलिंग करती है तो इसमें प्रॉब्लम होती है, सभी के एरर कोड होते हैं इसके अंदर, तो कुछ सेकंड वेट करना आपको आउटडोर चल जाएगा। ये हमारा आउटडोर जो चल गया है, फैन मोटर हमारी चल गई है, आप देख पा रहे होंगे हमने पहले आपको दिखाया था कि फ़ैन मोटर हमारी नहीं चल रही थी और ये हमारी मोटर जो है हमारी वर्किंग में है, फ़ैन वर्किंग में है, कंप्रेसर भी ऑन हो गया है, सब कुछ चालू हो गया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी तरह से कभी प्रॉब्लम आती है, नया एसी है बिल्कुल, ये एक दिन पुराना एसी है, जैसे कल एसी लगा था तो उसी दिन कस्टमर ने कंप्लेंट बुक कराई कंपनी में और हम वहाँ पर विजिट किए और वहाँ पर हमने देखा ये सब कुछ चेक किया, तो यहाँ पर जो मोटर के जैक निकले थे तो हमने मोटर के जैक लगा दिए और अच्छी तरीके से ऑन कर दिया है और कस्टमर भी खुश हो गए हैं। तो कभी भी प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से तो कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं या फिर आप खुद चेक करना चाहते हो तो खुद चेक कर सकते हो, सब कुछ आपको चेक कर लेना होगा, कंट्रोल चेक करना होगा, मोटर चेक करनी होगी, कंप्रेसर चेक करना होगा, वायर चेक करने होंगे, सब इसी के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, तो वहाँ पर सब कुछ चेक कर लेने होंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आकर कूलिंग कैसी वैसी कूलिंग हो रही है, एसी हमारा ऑन है, कूलिंग भी ठीक हो रही है, बढ़िया कूलिंग हो रही है, फिटिंग कर लेते हैं हम एसी की। ये हमने एसी फिटिंग करना शुरू कर दिया है, एसी हम फिट कर लेते हैं, आउटडोर जो हमारा है आउटडोर जो फिटिंग कर लेते हैं अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत आती कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।